गुड मॉर्निंग एवरीवन और क्या हाल चाल आप लोगों का चलिए देखते हैं शुरू करते हैं सेशन को और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास उनको देख लिया जाए और साथ ही साथ रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे तो जानकारी दे दूं अगर आप पहली बार आ रहे हो और जानते नहीं हैं तो कि चैनल का नाम एम्बिश बाबा है आप देख सकते हैं नीचे लिखा होगा और मेरा नाम मीनम है वो भी लिखा हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी हमारी क्लासेस लाइव होती हैं ठीक है थीके? तो ना सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासेस बल्कि और सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होती हैं जिसका हिस्सा आपको बनना है ठीक है और आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करते हैं हमारी क्लास में और साथ ही साथ आपको पी भी प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगी तो चलिए जल्दी से सेशन को ज्वाइन करिए शेयर करिए और इसका हिस्सा बन जाइए आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं लेट्स मूव अहेड। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सेशन की शुरुआत होती है होमवर्क वाले क्वेश्चन के साथ तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था आइए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि होमवर्क का क्वेश्चन क्या है तो शांति भूषण पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97 सेवन ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड ठीक है तो शांति भूषण का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे आपको मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देना था तो इसका जो राइट right आंसर था वो डी वाला ऑप्शन था लॉयर ठीक है तो ही वो अ लॉयर आइए बात करते हैं तो राहुल एडम शुभम नदीम और सोनम के आंसर्स आए थे वेरी गुड गाइज ऐसे ही आंसर्स दीजिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे भी पता चलता है कौन कौन से एक्शन देखता है? है ना चलो लेट्स मूव अहेड इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं तो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण हाल ही में इनका निधन हुआ है लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं ये और इनकी अगर हम बात करें तो 97 सेवन ईयर्स के थे इन्होंने लॉ मिनिस्टर के तौर पे काम किया था मुरारजी देसाई लेट जनता पार्टी गवर्नमेंट में 1977 से 1979 में ठीक है जो कि इमरजेंसी के बाद पावर में आई थी मुरारजी देसाई सरकार इसके अलावा वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर थे आम आदमी पार्टी जो दो में बनी थी आई होप इसके बारे में तो पता ही होगा इसके अलावा बहुत ही आ, बड़े एक्टिविस्ट थे और करप्शन के खिलाफ वो काफ़ी बार खड़े हुए हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ हमने जो डेथ्स हाल फिलहाल में पढ़ी ज़रा एक रिविजन कर लेते हैं कई दिन से कई बार हमें पढ़ चुके हैं और कई दिन से हम सोच रहे थे एक रिविज़न करेंगे तो लिपोल्डो रोबोटो ग्रेसिया पेलेस बेनिटोस जिसे इन्हें आप पोलो पोलो के नाम से जानते हैं ये मैक्सिकन मेकसि कमेडियन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है बीवी दोषी वेरी इम्पोर्टेंट इन्हें अभी पद्म विभूषण भी दिया गया है और ही इज अ रिनाउंड आर्किटेक्ट हाल ही में इनका निधन हुआ और इसी साल का इनको ये पद्म अवार्ड दिया गया है देन रोनल्ड ई एशे ये एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट और एजुकेटर हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है द्रविडियन लैंग्वेज में शरद यादव जो कि एक पॉलिटिशियन है देन डॉक्टर टेकमोन्टेन एरिक उदवादिया भारत में जनक हैंप्रोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इनका भी हाल ही में निधन हुआ है प्रोफेसर रहमान रही ये एक रिनाउंड पोवट है पोएट थे कश्मीर के और आ, कश्मीर से आते हैं और उनको कश्मीर का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है यानी पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो किसी के कश्मीरी को दिया गया है फिर पद्मश्री अवार्डी प्रभा बहन सोभागचंद शाह ये एक सोशल वर्कर हैं हु पास्ड अवे रिसेंटली चलो लेट्स मूव अहेड पहला क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से आंसर दो हाँ जी चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है द नाइन्टी सिक्स अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन बिग्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र नाइन्टी सिक्स वहाँ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के किस जिले में शुरू हुआ है वर्धा नागपुर नासिक औरंगाबाद या मुंबई ठीक है तो नाइन्टी सिक्स अखिल भारतीय मराठी साहित्य मेला तो है तो महाराष्ट्र में आपको बताना है कहाँ पे ये शुरू हुआ है इसके बारे में जल्दी से चलिए बात करते हैं द राइट आंसर इज ए इट्स वर्धा ठीक है आओ देखो ज़रा क्या है इसका राइट right आंसर और क्या बातचीत है इसमें तो नाइन्टी सिक्स अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी समिट है जिसका आयोजन वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हो रहा है इसे सीएम साहब एक, एक नाथ शिंदे ने इनोग्रेट किया है और स्कूल एजुकेशन और मराठी लैंग्वेज मिनिस्टर दीपक केसरकर ने ठीक है इसके अलावा पहला मार मराठी साहित्य सम्मेलन है जिसे आयोजित किया जा रहा है पुणे में पुणे में पुणे में आयोजित किया गया था पहली बार पुणे में 1878 में किसकी अध्यक्षता में जस्टिस महादेव गोविंद राणाड़े सभी जानते हैं इनको गोविंद रानाडे साहब को तो इनकी अध्यक्षता में किया गया था ठीक है तो ये अपने इनाग्रेशन के दौर सेरेमनी के दौरान दीपक केसारकर ने कहा है कि मराठी स्कूल्स जो कि बंद हो रहे हैं उन्होंने ये सजेशन दिया है कि इस इशू के ऊपर बातचीत करनी चाहिए हमें लिटरेरी समिट में और गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एजुकेशन जो है वो मदर टंग में प्रोवाइड की जानी चाहिए बिकॉज़ ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है स्टडी का अपनी मदर टंग में और इसके इसके साथ आप जीवन में सक्सेसफुल भी होते ये इनकी थ्योरी है कि अगर आप अपने मदर टंग में पढ़ रहे हैं चलिए महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई सीएम साहब हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड अगला सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई क्रिटिकल रोटेटिंग पार्थ न्यूक्लियर न्यूक्लियर टर्बाइन निम्नलिखित में से किस कंपनी को परमाणु टर्बाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्ण भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में अनुबोधित किया गया है आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड टीपी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनटीपीसी लिमिटेड टॉरेंट पार ठीक है तो इंडिया आप जानते हैं पूरी कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर भारत हमारा जो क्या का जो कैंपेन है जिसके तहत मेक इन इंडिया पे पूरा फोकस हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत मैन्युफैक्चर्ड जो पार्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू न्यूक्लियर टर्बाइंस इनको ये सप्लाई करेगा दूसरे देशों को ठीक है तो गुड मॉर्निंग प्रमोद इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं द राइट आंसर इज ए इट्स आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड आओ तो हैदराबाद ये कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है आपकी आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसने अप्रूवल मिल गया है भारत की पहली कंपनी जो कि सप्लाई करेगी क्रिटिकल कृत्रिम रोटेटिंग पार्ट्स न्यूक्लियर टर्बाइंस के लिए जिसकी डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है तैयार है डिलीवरी के लिए और इन्हें असेंबल किया जाएगा न्यूक्लियर टर्बाइंस

प्रोडक्ट्स को बनाना ठीक है शुरुआत हो रही है पार्ट से बनाने की फिर हम पूरा आ, जो आपका न्यूक्लियर ये टर्बाइन है इसे हम खुद से बनाएंगे ठीक है तो प्रा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉगरेटेड अ थ्री डे इंडिया एनर्जी वीक इन विच सिटी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में तीन दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है बेंगलुरु नई दिल्ली चेन्नई अहमदाबाद मुंबई चलो आप सब लोग चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर तीन दिन का इंडिया एनर्जी वीक कौन से शहर में हाल ही में आयोजित हो रहा है भाई ये है बेंगलुरु ठीक है और मोदी जी ने इसका अनावरण किया है ठीक है तीन दिवसीय है इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु में छः तारीख से आठ तारीख को चलेगा ये इवेंट एक साथ लेकर आएगा जितने भी लीडर्स हैं ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल इन एनर्जी इंडस्ट्री ऊर्जा क्षेत्र से जो आते हैं गवर्नमेंट्स हैं उनको और जो भी अकेडमियाँ हैं वो डिस्कस करेगा जो भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजिशन मौजूदा समय में ठीक है तो उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होगी फिलहाल आगे बढ़ेंगे और देखो हमारे पास और क्या है इसमें बात करने के लिए तो अलग अलग देशों से डेलीगेट्स एग्जिबिटर्स और जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे चलिए इस प्रोग्राम के दौरान मोदी जी ने पार्टिसिपेट करेंगे एक राउंड टेबल इंटरेक्शन ग्लोबल ऑयल और गैस के जो सीईओज हैं उनके साथ ठीक uh, है और वो लॉन्च करेंगे मल्टीपल इनिशिएटिव फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी में जो कि बिल्कुल लाजमी है और हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इंडिया बहुत काम कर रहा है बहुत बात कर रहा है ग्रीन एनर्जी हम कई बार बात कर चुके हैं है ना फिर मोदी जी के बारे में बात कर लो हाल फिलहाल में क्या क्या हुआ है लिस्ट बढ़ती जा रही है तो मोदी जी के बारे में हमने दो तीन दिन पहले पढ़ा था कि उन्होंने 75 का सिक्का जारी किया आम आदमी के लिए नहीं जस्ट uh, कोमोरेट uh, करने के लिए एनसीसी का सेवेंटी फाइव सक्सेसफुल ईयर्स ठीक है तो अभी सेवेंटी फाइव सक्सेसफुल ईयर्स इसके पूरे हो गए हैं आगे मोदी जी की बात करें तो उन्होंने वन 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 अवतारण महोत्सव भगवान देव नारायण का अटेंड किया है भिलवारा राजस्थान में और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए इसके अलावा दूसरा चरण संसद खेल महाकुंभ बाईस तेईस का बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है और इन्होंने वर्चुअली ठीक है फ्लैग ऑफ की है आठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को कनेक्ट करेगी तो आठवीं ये वाली है और सातवीं वाली कोलकाता में की थी याद आ रहा है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो जरा अगला सवाल क्या है A uh, Yayaso known as a birds paradise for its beautiful lake has been proposed as a biodiversity heritage site इट इज़ लोकेटेड इन विथ स्टेट या यूटी वेरी इंपॉर्टेंट देखो ज़रा यात सो जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर के रूप में जाना जाता है को जैव विविधता विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जम्मू कश्मीर मेघालय हिमाचल प्रदेश मणिपुर या लद्दाख तो प्रपोज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इसे नामित किया गया है प्रपोज किया गया है आ, देखते हैं नाम क्या है भाई इसका ई लद्दाख ठीक है नाम से ही समझ में आ रहा था कुछ यही होगा है ना तो यायासो एक इसे प्रपोज किया गया लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ठीक है और ये अपने बर्ड्स पैराडाइज के और इट इज़ नोन एज अ बर्ड्स पैराडाइज तो इसे बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है अपने ब्यूटिफुल लेक के लिए जो कि लोकेटेड है कितनी ऊंचाई पे फोर एट टू ज़ीरो मीटर्स की ऊंचाई पे ठीक है और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट एरिया है वह सिक्सटी स्क्वायर किलोमीटर ठीक है जिसमें इंक्लूडेड है लेक का वाटर ठीक है यायासो की बात करें तो ये लद्दाख की खूबसूरत झीलों में से एक है ये नेस्टिंग हैबिटेट है कई बर्ड्स और एनिमल्स का जैसे नाम पढ़ो जरा बार हेडेड गूज ब्लैक नेक क्रेन ठीक है और ब्रह्मिनी डक ठीक है तो ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल क्रीचर्स हैं और ये सब यहाँ इनकी नेस्टिंग एरिया है और यहाँ पे ये दुनिया का माफ कीजिएगा ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ब्लैक नेक्ड क्रेन जो कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है ठीक है भारत का सबसे हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है चलो आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या लिखा है विथ स्टेट यूटी गवर्नमेंट हेज लॉन्च बाल मित्र अ व्हाट्सएप चार्ट बोर्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स इन द स्टेट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य में बच्चों और माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप चार्ट बोर्ड बाल मित्र लॉन्च किया है महाराष्ट्र दिल्ली पंजाब आंध्रा या केरला बाल मित्र एक व्हाट्सएप चार्ट बोर्ड है ठीक है तो इसका सही आंसर है बी इट्स डेली ठीक है आओ बढ़ते हैं आगे तो दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी या दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया है आ, बाल मित्र तो एक व्हाट्सएप चैटबोर्ड है जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा सपोर्ट करने के लिए बच्चों को एंड पेरेंट्स को दिल्ली में ठीक है तो चैट बोर्ड बाल मित्र तो एक सोर्स है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का बच्चों और उनके जो भी अधिकार हैं उससे संबंधित ठीक है ठीके? आओ देखो तो इतनी बातें तो हमने यहाँ कर ही दी हैं तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं एक दो फीचर्स के नाम जैसे कि आप यहाँ कम्प्लेन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं अपनी कम्प्लेंट का स्टेटस और सी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन और इस तरह की चीज़ें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये पेरेंट्स और जो अथॉरिटी है उनके बीच का जो गैप है वो कम करेगा और इसी बात पर हम दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स या कैंपेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो दिया जलाओ पटाखे नहीं हॉबी हब स्कीम एमवीई पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है श्रमिक मित्र स्कीम पर्यावरण साथी चैटबॉट एंड वेबसाइट मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना तो ये हमने दिल्ली की कुछ योजनाएं हैं जो हाल फिलहाल में पड़ी हैं ठीक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ आओ देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैज़ इनागरेटेड विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला एट फरीदाबाद हरियाणा रिसेंटली राष्ट्रपति जगदीप धनकर ने हाल ही में फरीदाबाद हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया है चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस या अड़तीस थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट तो दुनिया का ये वन ऑफ द बिगेस्ट ये लार्जेस्ट फेस्टिवल है ये या फेयर है कहना चाहिए सी इट्स थर्टी सिक्स एडिशन है तो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हो रहा है फिलहाल जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनकर ने इसे इनाग्रेट किया कौन सा एडिशन है छत्तीसवा एडिशन है इस मेले का और ये हरियाणा में होता है बड़े स्केल पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है चार से पच्चीस फरवरी तक चलेगा ठीक है और इस साल का जो थीम है दिस ईयर थीम स्टेट अच्छा इस बार का जो थीम स्टेट है देखो कौन है इस बार का नॉर्थ ईस्ट रीजन है थीम स्टेट और शां कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है आपको पता है भारत इस साल की मेजबानी कर रहा है होस्ट कर रहा है एस को भी और इस पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर नेशन ठीक है चलो तो पार्टनर नेशन के तौर पे एस पार्टिसिपेट कर रहा है और थीम स्टेट के तौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक इतनी बातें हो गई आ, इसमें इंडिया चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया पाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जो हैं वो शामिल हो रहे हैं ठीक है आ, शामिल हो रहे हैं एस के मेम्बर्स के तौर पर ठीक है चलो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आर्टिस्ट पूरे विश्व भर से आते हैं और शोकेस करते हैं अपने कल्चर और टैटल को वन ऑफ द वर्ल्ड का बिगेस्ट क्राफ्ट फेयर है दो हजार तेरह में द मेला वॉज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल लेवल तो ये बहुत पहले से ही uh, लगता था लेकिन अभी से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया है 2013 में काफी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं अच्छा और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर हैं गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय ठीक है और इसी बात पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखो जरा क्या है द वेरी इंपॉर्टेंट अगेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया डिक्लाइन अच्छा टू सेवन पॉइंट इन जनवरी थ्री फ्रॉम एट पॉइंट थ्री इन दिसंबर 2022. डेटा बाय डिपार्टमेंट? जनवरी 2023 में भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर 22 में आठ दशमलव तीन शून्य से घटकर सात दशमलव एक चार प्रतिशत हो गई है ये डेटा किस विभाग द्वारा जारी, जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों का विभाग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम और रोजगार मंत्रालय देन यू हैव सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नीति आयोग या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाणिज्य कर विभाग तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है रिलीज करती है ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये हम्म तो बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनके हिसाब से भारत में कम हुआ है और कितना हो गया 7.14 हो गया जनवरी 23 में जो कि अब तक का पिछले चार महीनों का सबसे कम है और दिसंबर की बात करें तो आठ दशमलव तीन शून्य था ठीक है ऐसा कह रहा है कौन कह रहा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये आपको याद रखना है अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरह का होता है एक शहरी क्षेत्र वाला पहले देख लेते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ये डिक्लाइन हुआ 8.55 परसेंट जनवरी में दस दशमलव शून्य नौ प्रतिशत जो कि पिछले महीने था ठीक है दिसंबर में तो अर्बन हो गया फिर रूरल की बात करें तो ये कम हुआ है हो गया है सिक्स पॉइंट फोर एट सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट से ठीक है अब इतनी तो ये टोटल डेटा हो गया अब स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो जहां सबसे ज्यादा अनएंप्लॉयमेंट था अमंग द स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाईएस्ट इन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा था 21.8 ठीक है और इसके बाद दूसरे नंबर पे था हरियाणा 21.7 बस पॉइंट वन परसेंट का अंतर है हरियाणा है पॉइंट एट वहां है फिर राजस्थान में है ट्वेंटी तो तीन ये टॉप अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो रेट वाले जो स्टेट्स हैं वो हैं फिर आ जाते हैं जॉबलेसनेस इन जनवरी इन दिल्ली इन जनवरी वो सिक्सटीन पॉइंट सेवन परसेंट तो ये यूटीज की बात हो रही है ठीक uh, है यूटी में दिल्ली में सिक्सटीन पॉइंट सेवन है गोवा में सिक्सटीन पॉइंट टू है असम में सिक्सटीन पॉइंट वन है आई होप दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो लिख देते हैं असम में सिक्सटीन पॉइंट वन है और त्रिपुरा में सिक्सटीन परसेंट है ठीक है ये यूटीज की बात हो गई अब आ जाओ अच्छा फिर इन्होंने क्या कहा ऑन दडर हैंड एज पर द डेटा एम्प्लॉयमेंट वॉज लोएस्ट इन स्टेट सच एज अब छत्तीसगढ़ में सबसे कम था अनएम्प्लॉयमेंट वहां ज्यादा था जो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ कम था जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फॉलोड बाय उड़ीसा उड़ीसा तो अच्छा काम कर रहा है बट छत्तीसगढ़ तो तो यहाँ पे लिस्ट में अजीब ही लग रहा है उड़ीसा 1.5 परसेंट तमिलनाडु 1.8 परसेंट और मध्य प्रदेश 1.9 परसेंट तो ये लोएस्ट इन्होंने दर्शाया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक है फिर बजट 2023 में आप जानते हैं काफ़ी जॉब क्रिएशन की बात कही है वित्त मंत्री ने एग्री टक एजुकेशन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर फिनेंशियल सर्विसेज हेल्थ केयर और एमएसएमई सेक्टर में ठीक है चलो तो आगे आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि और घटेगा अनएम्प्लॉयमेंट की दर और इसी बातें एक और क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड जल्दी से ज़रा पढ़ो कुछ सेकंड्स और और क्वेश्चन पढ़ते हैं है ना अरे बाबा क्या हुआ इसको हां चलो द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम जिसे आप पीएम कुसुम का फुल फॉर्म ये है देख लेना स्कीम टिल मार्च 2026 पीएम कुसुम स्कीम हैड बीन लॉन्च इन विच ईयर ठीक है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना को मार्च छब्बीस तक बढ़ा दिया है पीएम कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी सोलह सत्रह अठारह उन्नीस या इक्कीस तो कुसुम का तो फुल फॉर्म इन्होंने दे दिया है डी दो हजार उन्नीस तो पहले तो देखो यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान जिसे आप पीएम कुशन कहते हो मार्च 26 तक बढ़ा दिया है तो ये जो एक्सटेंशन है मदद करेगा कॉम्पेंसेट करने में जो इम्पैक्ट है पैंडमिक का पीएम कुसुम इम्प्लीमेंटेशन तो आप जानते हैं पैंडमिक के दौरान कई स्कीम्स हैं कई चीज़ें हैं जिनमें रुकावट आई थी तो उसकी वजह से चीज़ें अपने टारगेट से पछड़ गई हैं तो ये बढ़ा दिया है ताकि ये अपना टारगेट पूरा कर सके देन सेंटर ने लॉन्च किया था स्कीम को दो में किस लिए अब देखो किस लिए किया था टू एड सोलर कैपेसिटी ऑफ थर्टी एट एट हंड्रेड मेगावाट बाई दो हज़ार बाईस यानी हमें अपनी सोलर कैपेसिटी को बढ़ाना है और कितना करना था तीस आठ सौ मेगावाट दो हज़ार बाईस तक ठीक है और गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि वो इन्फ्यूज करेगी कितना आ, कितना पैसा लाएगी थर्टी फोर फोर टू टू करोड़ ऑफ फंडिंग इस स्कीम में डालेगी ठीक है आगे बढ़ो इतनी बातें तो हमने कर ली हैं और देखो इन्होंने इसके बारे में क्या बताया था तो स्कीम का एम क्या है बूस्ट करना सौर ऊर्जा कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी को और प्रोवाइड करना एनर्जी ऊर्जा सुरक्षा भारतीय फार्मर्स को पहली चीज़ इसी के साथ साथ ये स्कीम मदद करती है अचीव करने में जो एम है इंडिया का इंक्रीज़ करना जो अपना सोलर पावर जनरेशन का शेयर है उसको ठीक है तीसरी चीज़ इसमें क्या लिखी है पीएम का जो कुसुम है ये तीन कंपोनेंट्स से युक्त है आओ देखो पहला कंपोनेंट क्या कहता है ये फोकस करता है कि यहाँ इंस्टॉलेशन करना है दस हजार मेगावाट सोलर कैपेसिटी को सेटअप uh, करके स्मॉल स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल पावर प्लांट्स को जिनकी कैपेसिटी होगी दो मेगावाट तो दो मेगावाट वाले छोटे छोटे पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे और हमें इतना इंस्टॉलेशन दस मेगावाट का इंस्टॉलेशन करना है दूसरा आने से पहले और ये क्या कह रहे हैं ये जो पावर प्लांट्स है इन्हें कौन सेटअप करेगा फार्मर्स पंचायत कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा Land में ठीक है चलो इतनी बात है दूसरा कंपोनेंट इसका क्या कहता है इसका इंफोसिस है इंस्टॉलेशन करना 20 लाख का स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चरल तो वो तो छोटे छोटे थे और ये एक बड़ा ठीक है फिर इस कंपोनेंट के तहत गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इंडिविजुअल फार्मर्स को कि वो सेटअप करें सोलर पंप जिनकी कैपेसिटी होगी 7.5 पॉइंट हॉर्स पावर ठीक है और तीसरा है आपका कंपोनेंट जो गवर्नमेंट है इसमें वर्क करेगी सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स के लिए ठीक है तो ये एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है इंपॉर्टेंट स्कीम है इस पर ध्यान दीजिएगा और एक रिविजन जरूर करिएगा फिलहाल अगला क्वेश्चन पढ़ो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आज की मैंने जैसा कहा भले ही उतने चर्चित क्वेश्चन नहीं हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना हु अमंग द फॉलोइंगज लॉन्च द सेव वेटलैंड कैंपेन इन गोवा निम्नलिखित में से किसने गोवा में वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है भूपेंद्र यादव पियूष गोयल जितेंद्र सिंह सरबनंदा सोनोवाल जी किशन रेड्डी तो इनके बारे में हम समय समय पर पढ़ते हैं इन लोगों के बारे में वेटलैंड की बात हो रही है यू ऑल नो रिसेंटली ऑन सेकेंड फिम फेब वी हैव सेलिब्रेटेड वेटलैंड डे ठीक है आद्रभूमि दिवस मनाया गया है और इंडिया की बात करें तो वी हैव सेवेंटी फाइव वेटलैंड बिकॉज अभी हम सेवेंटी तो 75 आजादी का इंडिपेंडेंस और से मतलब, पिछले साल के अगर जनवरी डेटा के हिसाब से देखें तो यूपी में ज्यादा थे बट अभी तमिलनाडु में ज्यादा हो गए चलो सेव वेटलैंड कैंपेन गोवा में शुरू किया है ए भूपेंद्र यादव जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं ठीक तो भूपेंद्र यादव यूनियन एन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं इन्होंने सेव वेटलैंड कैंपेन गोवा में लॉन्च किया है ये कैंपेन का स्ट्रक्चर है ऑन अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच वेटलिन कंजर्वेशन वेटलैंड का आद्र भूमि का संरक्षण इनेबल करना ऐसे एक्शंस ताकि वेटलिन का कंजर्वेशन हो सके हर तरह से सोसाइटी में ठीक है जिसमें इन्वॉल्विंग ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी यानी हर हर तबका वेटलिन के संरक्षण में सहयोग करे और तभी इस संरक्षण हो सकेगा ठीक है आगे इन्होंने रिलीज किए हैं दो पब्लिकेशन इंडिया 75 फाइव अमृत सेवेंटी अमृत धरोहर इंडिया रैमसर साइट्स फैक्ट बुक और एक तो ये हो गया और दूसरा वाला मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन बेटल अ प्रैक्टिशनर्स गाइड तो इन्होंने ये दो पब्लिकेशन लॉन्च की हैं ठीक है ठीके? आओ गोवा की कैपिटल है पनेजी सीएम साहब है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई ठीक है तो इंडिया में वेटलैंड संरक्षण का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा चर्चित नहीं बट गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है बट आप आप विदेश में जाइए जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाइए तो कोई भी सोसाइटी है सोसाइटी के बीच में जैसे पार्कस होते हैं तो ये लोग वेटलैंड क्रिएट करते हैं ठीक है एक उस तरह का इन्वायरमेंट और वहाँ पे यू कैन सी जो पशु पक्षी हैं या वॉटर जो भी वेटलिन में आके जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनको आप वहाँ देख सकते हैं तो ये लोग सोसाइटीज़ के बीच वेटलिन को बनाते हैं और उसके संरक्षण को कर रहे हैं ठीक है इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया बट होना चाहिए बट साथ ही साथ ये भी है ना कि इसके लिए क्लिनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वेटलैंड वेटलिन भूमि होती है मार्शी एरिया होता है तो कई तरह की बीमारियाँ भी हो सकती है अगर उसका प्रॉपर रख नहीं किया गया चलो भूपेंद्र यादव की बात करें तो हाल ही में इन्होंने इनोग्रेट किया है रीजनल ऑफिस इफ्फो कहाँ पे अलवर राजस्थान में ठीक है और इन्होंने इंडिया का एक डेलीगेशन है इजिप्ट के लिए जो गया था कोपा 27 के लिए याद आया उसको लीड किया था और इन्होंने चेयर किया वन मीटिंग ई एस आई सी की ठीक है चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन तो आज काफ़ी चीज़ें ग्रीन ग्रीन हो गई हैं है ना अच्छा रहता एक जैसे क्वेश्चन जब होते हैं विथ स्टेट गवर्नमेंट हैजनाउंस स्कीम ऑफ टू हंड्रेड करोड़ फॉर फॉर डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन हब इन द स्टेट किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए दो सौ करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है महाराष्ट्र तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र या केरला ग्रीन हाइड्रोजन हब यह है ई इट्स केरला ठीक है तो केरला गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है कि स्कीम 200 करोड़ की डेवलप जो करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को तिरुवनंतपुरम और कोची में ठीक है स्कीम ऑफ 200 करोड़ इज अनाउंस फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग ग्रांट इक्विटी सपोर्ट ताकि सेटअप किया अच्छा। जा सके ग्रीन हाइड्रोजन को कोची और तिरुवनंतपुरम में अगले दो सालों में अच्छा इट विल बी इस्टब्लिश इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा 150 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोलाइजर और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का निर्माण हम कब करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड uh, से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एच में ताकि uh, ये एच टूट जाए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट uh, में चला जाता है और इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया जाता है तो आम आदमी की भाषा में एक लाइन ने बताया कृपया इस प्रोसेस को देखिए फिर हाइड्रोजन की बात करें तो इसे मेथड से किया जाता है पानी के और इस, इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा कैपिटल तिरुवनंतपुरम है सीएम साहब है पिन्नरई विजयन और गवर्नर हैं आर एफ मोहम्मद खान पढ़ो जरा अगला क्वेश्चन तो जो लोग अभी, अभी अभी आए गुड मॉर्निंग गाइस क्वेश्चन पढ़े जरा विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट बहुत पहले ही कर देना चाहिए था निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है फिनलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या आयरलैंड तो आप जानते हैं हाल ही में लॉन्गेस्ट सर्विंग जो मोनार्क है क्वीन एलिजैथ का निधन हो गया जिसके बाद उनके बेटे चार्ल्स ने आ, उनका स्थान लिया है ठीक है ना और Uh, इधर बात करें तो आप जानते हैं कई कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश मोनाक्स का चेहरा अपने बैंक नोट्स में करती हैं है ना आओ ज़रा इसको देख लेते हैं कौन सी कंट्री है गुड मॉर्निंग टीचिंग ब्लॉग आइए देखते हैं सी इट्स ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने बोला है वो हटा देगा तो ये अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया है कि वो हटाने जा रहा है ब्रिटिश मुनाक जो ब्रिटिश राजशाही चेहरा है अपने नोटों से और रिप्लेस करेगा जो लेट क्वीन एलिजबेथ टू है उनकी इमेज अपने पाँच रुपये का जो सिक्का रुपये नहीं डॉलर होता है वहाँ पे हैं तो पाँच का जो नोट है उनका उसको ये जो चेहरा था इसको रिप्लेस करेगा किससे विद डिज़ाइन ऑनरिंग इंडिजिनियस कल्चर तो अपने कल्चर को ये ऑनर करते हुए कुछ उस पर डिजाइन बनाएंगे जो कि अच्छी बात है तो सेंट्रल बैंक का डिसीजन है कि वो जो उनके सक्सेसर है चार्ल्स थ्री को रिप्लेस नहीं करेंगे पांच का रुपये बोल रही हूं बट ये डॉलर है यहाँ ठीक है तो पाँच के नोट को रिप्लेस करेंगे इसका मतलब है कि कोई भी ब्रिटिश बेस्ड मनारकी अब ऑस्ट्रे की ऑस्ट्रेलिया की पेपर करेंसी पर नहीं दिखेगा ठीक है तो जो ये पांच वाला नोट है नहीं रुको पांच डॉलर का बिल वॉज ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट मेलिंग रिमेनिंग अच्छा इकलौता था पांच का नोट जिसपे चेहरा था मुनार का तो वो भी अब हटा देंगे लेकिन ये जो पांच का नोट है अभी भी लीगल टेंडर रहेगा ठीक है जो एग्जिस्टिंग है अब एकदम से तो नहीं हटा सकते तो वो अभी भी लीगल टेंडर रहेगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है करेंसी डॉलर है और प्रेजेंट साहब हैं एंथनी एल्बनीस ठीक है चलो अगला सवाल विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री विल होस फुटबॉल एशियन कप 2027 निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी करेगा पाकिस्तान बांग्लादेश यूएई इंडिया साउथ अरेबिया भारत ने तो हमें लगता है आ, अपना नाम वापस ले लिया इससे है ना चले तो फ़ुटबॉल फीवर अभी हाल ही में उतरा है फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने सालों के बाद जीता है फ्रांस को हराया है लेनल में वापस फॉर्म में आ गए हैं है ना और कतर में उसका आयोजन हो रहा था आप सभी जानते हैं अब तक का सबसे छोटा देश जिसमें आयोजित हो रहा था और पहला ये मिडिल ईस्ट का देश है जहाँ पे आयोजन हो रहा था साथ ही साथ सबसे कम वेन्यूज़ आठ वेन्यूज़ पे यहाँ आयोजन हुआ था और सबसे महंगा महंगा इन टर्म्स क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो बेसिक से स्टार्ट किया और बाकी पैसा तो इनके पास है ही साथ ही साथ पहला गेम जो इंडोर हो रहा था बिकॉज यहाँ पर आप जानते हैं टेक्निकली तो बाहर बहुत है, तो यहाँ एसी वाले हॉल्स थे वहां पर भूल जाती हूं ट्रॉफी है उसको अनवील किया था अगर आपको याद आ रहा हो तो इतनी मोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी थी आओ और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था इतना आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा ले ले, यस वेरी गुड इट इज यू देखो क्या कह रहा है तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने बोला है कि सऊदी अरेबिया ने होस्टिंग राइट जीत लिए हैं एशियन नेशंस कप 2027 के पहली बार हिस्ट्री में जब से वो आयोजित हो रहा नाइनटीन से आयोजन हो रहा था तो ये दिस केम ड्यूरिंग द वर्क ऑफ द थर्टी थर्ड कांग्रेस तैतीसवीं कांग्रेस ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन बहरीनी कैपिटल मनामा में आयोजित हो रही थी वहाँ पे ये डेवलपमेंट uh, हुआ है सऊदी अरेबिया अब ये भी देख लो क्यों इनको मिला क्योंकि इकलौता बिड था इनका जो कि इसमें प्रेजेंट किया गया था बिकॉज uh, इंडिया ने विड्रॉ कर दिया था दिसंबर 2022 में कि वो नहीं करेगा ठीक है सऊदी अरेबिया अरेबिया की कैपिटल इज एजरियात करेंसी है सऊदी रियाल एंड प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ठीक है चलो इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं अच्छा इन्होंने क्या बोला कतर क्या करेगा विल होस्ट नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशिया फुटबॉल कप 26 जून से 26 जुलाई 2023 तो 2023 वाला जो है वो कतर कर रहा है और वो 27 के लिए बिडिंग जो थी वो यू ने जीती तो कृपया देख लीजिएगा इतनी बातें हमने करी ली हैं और अगला क्वेश्चन एक और रिटायरमेंट आओ देखते हैं तो राफेल वराने हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट रिसेंटली ही वॉज रिलेटेड टू विद स्पोर्ट राफेल वने ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो किस से खेल से संबंधित हैं टेनिस बैडमिंटन फुटबॉल या क्रिकेट क्रिकेट ठीक है और बात करते हैं <coughs> राफेल आ, ये हैं डी फुटबॉलर हैं तो उनतीस साल के हैं फ्रांस के डिफेंडर राफेल जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की बात की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच से इन्होंने ९३ कैप्स जीती हैं और अपना डेब्यू किया था २०१३ में और अब जानते हैं फुटबॉल के अलग अलग क्लब्स होते हैं तो दिदिया दिशम्स किसे खेले हैं और जीता है यूफा नेशन लीग 2020-21 -20 का सीजन इसके अलावा वो लेस्ट लुइस से भी खेल चुके हैं और जीता है वर्ल्ड कप 2018 में और इन्होंने दियार दाम्स को गाइड किया था गाइड टीम टू 2022 हजार का शोपी कतर अच्छा इन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर 10 साल पहले शुरू किया था मार्च 22 2013 में ये चौथे प्लेयर बन गए हैं इतिहास के जिन्होंने वर्ल्ड कप और चैंपियंस लीग एक ही साल में जीता था ठीक है तो राफेल वर्ने आपको मेन याद रखना है कि ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं जो हाल ही में रिटायरमेंट ले रहे हैं रिटायरमेंट इतने लोगों ने कहा है रिटायरमेंट लेंगे आओ देख लेते हैं तो जोगेंदर शर्मा ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंडिया मुरली विजय ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इंडिया देन हाशिम अमला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट साउथ अफ्रीका ह्यूगुलॉरिस फुटबॉल फ्रांस ग्रेथ बेल अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल वेल सानिया मिर्जा अंतरराष्ट्रीय टेनिस भारत फरहान बहरदीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट साउथ अफ्रीका करीम बेनजिमा नाम भूलना नहीं है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फ्रांस जिसको अर्जेंटीना ने हराया था भी बेन स्टोक्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इंग्लैंड दिनेश रामदीन अंतरराष्ट्रीय वेस्ट इंडीज तो यहाँ पे लेनल मेसी का भी नाम हो सकता था अगर अर्जेंटीना हार जाती तो है ना फिलहाल अगला क्वेश्चन अच्छा इसी से याद आया आप जानते हैं कल आपको सुना ही होगा न्यूज में सुना क्या चली रहा है टर्की वाज हिट बाय थ्री अर्थक्वेज लगातार तीन अर्थक्वेक्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा तीव्रता वाले सेवन प्लस जो कि एक अच्छी तीव्रता होती है काफ़ी जान माल का वहाँ पे आप देख सकते हैं नुकसान हुआ है तो न्यूज़ में बना ही हुआ है हालांकि टर्की के साथ हमारे बहुत अच्छा वो नहीं है बट स्टिल हम हाँ प्रे करेंगे कि जल्दी वो इससे उभरे आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन फोर्थ फेबर वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस हर साल चार फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है नॉट बियॉन्ड अस क्लोज द केयर गैप आई एम एंड आई विल कैंसर बी प्रिवेंटेड वी कैन एंड आई कैन ठीक है चलो देखते हैं uh, इसका राइट right आंसर है क्लोज द केयर गैप ठीक है चलिए तो गाइज वर्ल्ड कैंसर डे चार फरवरी को मनाते हैं क्लोज द केयर गैप इसका थीम है और इसे पहली बार 2000 में मनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर पेरिस में ठीक है चलो आगे बढ़ो तो हम होमवर्क वाला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जल्दी से इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन इज ओवर परवेज मुशर्रफ अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री परवेज मुशर्रफ का हाल ही में सेवेंटी नाइन ईयर की आयु में निधन हो गया किस देश के राष्ट्रपति ईरान नेपाल भूटान पाकिस्तान या बांग्लादेश तो आंसर आप देंगे इन द दे कमेंट सेक्शन टेस्ट डॉट एम्बिस बाबा डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है विजिट करिए मुझसे जुड़ी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पी डी एफ अभी थोड़ी देर में हम आपको दे देंगे तो मिलेंगे हमारे अगले सेशन में तब तक के लिए अभी सभी लोग स्वस्थ रहिए सुरक्षित